बच्चों के नहलाने के लिए आप एक बेबी वॉश यूज़ करें जो हेड टू टो वॉश हो। मेरी रिकमेंडेशन में सेपरेट शैम्पू और सोप्स नहीं होते, मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ डव बेबी वॉश, हेड टू टो वॉश है, आप 3 से 4 साल तक बच्चे पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉइस्चराइजर फॉर द बेबी स्किन इज पेट्रोलियम जेली। सर्दियों में तो यूज़ करेंगे करेंगे, लेकिन इवन आप समर्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि बच्चों को नहलाने के बाद या जितनी दफ़ा भी आप पैम्पर चेंज करते हैं या वॉश करते हैं एरिया, वैसलीन आपने यूज़ करनी है, स्किन को ये लगा के और अच्छे से मसाज कर देना है। आप देखेंगे उसकी स्किन कभी भी रैशेज वाली नहीं होगी। और अगर आप पेट्रोलियम जेली यूज़ नहीं करना चाहते इन समर्स, यूजुअली ह्यूमिडिटी क्योंकि ज़्यादा होती है तो कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, तो बच्चों के लिए जो माइल्ड रिकमेंडेशन है वो है जी इमोटॉपिक क्रीम। आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, यू कैन यूज़ इट, इट इज़ वेरी सेफ और वेरी इफेक्टिव। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रीम फॉर द बेबीज इज़ नैपी रैश क्रीम। बच्चों में रैशेज आर वेरी कॉमन, क्योंकि अगर बच्चों में कई दफ़ा डायरिया हो जाता है या आप ट्रैवल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप वाइप्स का यूज़ कर लेते हैं तो स्किन जो है वो रेड हो जाती है और इरीटेटेड हो जाती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप वैसलीन यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों में नैपी रैशेज के चांसेस होते ही कम है, लेकिन इन केस अगर उनको रैशेज हो गए हैं तो माइल्ड रिकमेंडेशन फॉर नैपी रैशेज इज क्यूटी प्रो क्रीम, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। आप 2 से 3 दिन लगाएंगे ट्वाइस अ डे और रैशेज विल वैनिश अवे। स्किन केयर स्टार्ट करें डे 1 से ही ताकि आप लैंड अप ना करें किसी भी डिजीज में।